जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड आज हम मैथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके मोर देन 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो कि आपके मिक्स मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट जो आपके रहते हैं, चाहे जो आपका एज हो, एवरेज हो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, नंबर सिस्टम, ये सारे के सारे आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहते हैं, या इसके अलावा जो भी आपका चैप्टर छूटता है, जैसे कि ट्रेन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, एरिया है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आज आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज आपके लिए रहेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में अगर आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें विजयपथ एजुकेशन ऐप, या फिर www.vijaypatheducation.com पर जाके आप GD क्लर्क या टेक्निकल के 200 से ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज और साथ में चैप्टर वाइज चैप्टर टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप आर्मी अग्निवीर 786 कूपन कोड का यूज़ करते हैं तो आपको डायरेक्ट 25% का जो है वो वहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, साथ साथ में आप अपने कमेंट यहाँ पे बताते रहें, साथ साथ में आप सॉल्व करें। आपके लिए ही ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। मतलब कि 60 से लेके 80 तक ऐसी कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जिनको सबको मिलाने पे उनका योग, मतलब कि उनका सम क्या बनता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आपको यहाँ पे आंसर बताना है। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो अपने ही पहाड़े से जाती हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ 5, मैंने लिखा आगे 9। अब ये जो 5 है ये सिर्फ 5 के टेबल में आता है, लेकिन 9 जो है ये 3 के टेबल से कट जाता है, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आपके सामने जो यहाँ पे दिया गया है 60 से लेके 80 के बीच, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सबसे पहला नंबर हमारे पास अभाज्य संख्या का आता है 61, जो किसी के पहाड़े में नहीं आता। उसके बाद आता है 67। अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ हमारी कौन सी रहती है, ओड नंबर रहता है, विषम संख्या रहती है, सम संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद जैसे कि 71 है, उसके बाद आता है 73 और लास्ट में आता है 79। ये सारे हमारे कौन से नंबर हैं, ये हमारे सारे के सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं। तो सबको ऐड करने पे हमारे पास यहाँ पे बनता है 351। तो 351 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सिंपल सा, बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले बोर्ड मास में जैसा जैसा आपको प्रोसीजर पता है उसी वे में आपको यहाँ पे साथ साथ में करना है। तो सबसे पहले B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में का कहते हैं, और दोनों का मतलब है टर्म्स को मल्टीप्लाई करना। फिर D से मतलब डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। ये हमारे सारे के सारे बोर्ड मास के मेथड हैं। इससे पहले वेलकुलम भी आता है, जिसको हम क्या डिनोट करते हैं, बार डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले उसमें हम डिवाइड करेंगे। तो अगर आपको डिवाइड सिंबल हटाना ना आए तो आप उसको अपोन में लिख सकते हैं, उसके आगे है इंटू 2 और प्लस के 4। तो 17 से ये 34 कट के आएगा आपके पास 2, आपके पास बचा 2 इंटू 2 प्लस के 4। तो सबसे पहले बोर्ड मास में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4, और 4 और 4 आपके पास राइट आंसर यहाँ पे बनेगा 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन काफी इजी है, स्क्वायर के चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिया गया है। इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब कि एक
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ 10 24 की, तो 10 24 जो है ये 32 का स्क्वायर है। अगर मैं 32 को 32 से गुणा करूँ, 32 × 32 जो है वो 1024 आता है। उसके बाद 1089 की अगर मैं बात करूँ, आप इसको मेथड के थ्रू ब्रेक डाउन कर सकते हैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं होगी, वही आपका राइट आंसर है। ये 33 आता है। 776 जो है ये हमारे पास 26 का स्क्वायर है, परंतु 749 ये किसी भी टर्म को दो बार मल्टीप्लाई करके नहीं आता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 749। अगर आपको इसका मेथड पता करना है तो इसका जो सबसे बेसिक का मेथड है वो है हमारे पास, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे को ये पता करना है कि ये 64 किसका स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके फैक्टर बनाऊँगा और मैं मान लेता हूँ कि मेरे को पता करना है यहाँ पे कि ये 70 किसका स्क्वायर है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 32, फिर मैं 2 से करूँगा तो मेरे पास आएगा 16, उसके बाद फिर से मैं 2 से किया मैंने तो ये मेरे पास कितना बनेगा 8, फिर मैंने 2 से किया ये आएगा 4, फिर 2 से 2 और लास्ट में आएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ रहती है, हमारे पास पेयर बनना ज़रूरी है। जैसे ये पेयर बन गए दो दो के, फिर दो दो के पेयर बन गए और फिर दो दो के पेयर बन गए। यहाँ से मैं एक सिंगल 2 उठाऊँगा, यहाँ से सिंगल 2 और यहाँ से सिंगल 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो मतलब 8 × 8 मेरे पास क्या बनेगा 64। वैसे अगर मैं 70 की बात करता हूँ तो जब मैंने 2 से इसको किया 35 आया, फिर मैंने इसको 5 से किया तो 7 आया और 7 से 1 आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बना, उसके बाद 5 का किसी के साथ पेयर नहीं बना, 7 का किसी के साथ यहाँ पे पेयर नहीं बना, इसलिए 70 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी टाइप में जब आप 749 को यहाँ पे करेंगे तो आपके पास इसके परफेक्ट जो फैक्टर हैं वो नहीं निकल के आते हैं, तो इसलिए 749 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एलसीएम चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, आपको बताना है 24, 40 और 120 का एचसीएफ कितना है। जल्दी से आप कमेंट करें यहाँ पे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस क्लास को लगा रहे हैं, मैथ के आपके मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं क्या इसी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, या फिर आपको चैप्टर बाय चैप्टर एक वीडियो लेके आऊँ, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं, महत्व समावर्तक जिसको बोलते हैं। एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो सबको काट सके, जो सबको काट सके। तो जैसे कि मैंने 2 से किया तो ये देखिए आप 24 कट गया, 40 भी कट गया और 120 भी कट गया। इसका मतलब ये 2 मेरा क्या बन गया, एचसीएफ बन गया। इसने सारी की सारी टर्म्स को काट दिया। उसके बाद मैं अगले वाले 2 से भी चेक करूंगा, ये आ जाएगा 6, ये आएगा 10 और ये आ जाएगा मेरे पास 30। तो इसका मतलब इस वाले 2 ने भी इन सबको काट दिया। तो अगले वाले 2 से एक बार ट्राई कर लेते हैं, ये आएगा 3, 5 और 10। तो इसका मतलब इस वाले 2 ने भी इन तीनों की तीनों टर्म्स को काट दिया। लेकिन जब मैं अगले वाले नंबर से ट्राई करता हूँ 2 से, तो सिर्फ ये 10 को काटेगा। 3 से ट्राई करता हूँ तो सिर्फ ये 3 को, और 5 से अगर मैं ट्राई करता हूँ तो वो सिर्फ ये 5 को। इसका मतलब इसके आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन 3, 5 और 10 को काट सके। तो हमारा एचसीएफ सिर्फ यहीं तक रह जाएगा, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। तो 8 एक ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में 24 भी आता है, 40 भी आता है और 120 भी आता है। इसलिए हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या बनेगा, एचसीएफ हमारे पास बनेगा 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है। साथ साथ में आप बताते रहें अपने आंसर भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन परसेंटेज के चैप्टर से आपका रहेगा।
आपको इसमें बोला गया है यदि किसी संख्या का 23%, मतलब कि 23% आपको गिवन है, 23% दिया गया है 690, तो उसी संख्या का आपको 72% बताना है, 72% आपको बताना है। तो कभी भी जब भी आप वैल्यू निकालते हैं, हमेशा 1% की वैल्यू हमेशा निकाली जाती है। 23% आपका 690 है, तो 1% आप जब निकालेंगे तो ये 23 जो है वो ऊपर से आपका चला जाएगा नीचे। और अब आप अगर आपको 100% की वैल्यू निकालनी तो इंटू 100 करते हैं, नहीं तो जिस चीज़ की आपको वैल्यू पूछी जाए वही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे से 72 की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है, तो मैं 72 से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँगा। सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है। यहाँ पे मेरे को ये बोला गया था यदि किसी संख्या का, मतलब कि कोई संख्या है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे मेरे पास बनेगा एक्स का 23%, मतलब कि कोई ना कोई क्या है, एक ये नंबर मेरे को यहाँ पे बोला है, कोई एक संख्या बोली, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, एक्स का मतलब मल्टीप्लाई, 23% को हटाते हैं तो अपॉन 100 आता है, और आगे मेरे पास दिया गया है 690। एक्स को मैं इसी तरफ रहने दूंगा, 690 दूसरी तरफ है, 100 मेरा नीचे से जाएगा ऊपर, और 23 मेरा ऊपर से आ जाएगा नीचे, 23 से मेरा 69 कट जाएगा 3 टाइम, और एक जीरो ये बच गई थी मेरे पास, तो 30 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे 3000। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई। अब मेरे को इसी संख्या का x का कितना निकालना है, 72% मेरे को यहाँ पे निकालना है, तो x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी x की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी निकाली थी, 3000 निकाली थी, तो 3000 का मैं 72% यहाँ पे निकालूंगा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगी, 72 को 30 से मल्टीप्लाई करने पे 216 और एक जीरो, 2160 मेरा राइट आंसर रहेगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल एक्यूरेट है। साथ साथ में आप बताते रहें वीडियो आपको कैसी लग रही है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आपका आर्मी का एग्जाम है उसमें काफी हेल्पफुल आपके लिए ये क्वेश्चन रहेंगे। इसी टाइप के बेसिक से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मॉडरेट की तरफ आऊंगा, ताकि आपको अगर कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन भी अगर आते हैं एग्जाम में, तब भी आप उनको वहां पे कवर कर सकें। आगे बोला है एक वस्तु को 20% की हानि पर जब बेचा जाता है, तो हाँ 20% की हानि जब उसको हुई है तो उसको 4800 रुपये में यहाँ पे बेचा गया है, तो आपको क्रय मूल्य बताना है, मतलब कि सीपी उसकी यहाँ पे बतानी है। 20% हानि का मतलब है लॉस पे बेचा गया, तो मेरे को ये पता चला जब भी किसी चीज़ की बात करते हैं हमेशा 100% से स्टार्ट की जाती है। 20% की हानि मतलब 100 में से 20 चले गए, तो आपको 80% की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, जो कि है 4800। 1% की वैल्यू आ जाएगी 4800 और नीचे आएगा 80, और अब आपको निकालना है सीपी, तो सीपी हमेशा कितनी काउंट की जाती है, 100, 10 से 10, 4 से आपका 48 कट जाएगा, कितनी बार, 6 बार, और 60 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर आना है 6000, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, मैं बार बार आपके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपके सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, और ये जो आपका क्वेश्चन है ये एवरेज से मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला है। सो एवरेज आपको बतानी है, एवरेज के फॉर्मूले से ही स्टार्ट करते हैं। एवरेज का फॉर्मूला रहता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो आप सबसे पहले इनका सम करेंगे, एवरेज लिखेंगे, तो एवरेज आपको ये गिवन है कितनी है, ये है 65,
उसके आगे आपने नंबर लिखने हैं, नंबर है 39, उसके बाद है 51, 86, 77, उसके बाद है 43, उसके बाद है 92 और लास्ट में है बाय। तो बाय को भी आपने काउंट करना है, कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो डिवाइड आप किससे करेंगे, 7 से आपने यहाँ पे डिवाइड करना है। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ये 65 तो एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद जब आप यहाँ पे इन सब को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे बनेगा 388, बाय तो आपका ऐड होगा नहीं। उसके बाद ये 7 जो नीचे है ये दूसरी तरफ जाके 65 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके आपके पास बनाएगा 455। ये 388 इस तरफ जब आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, प्लस से माइनस में चेंज हो जाएंगे और माइनस करके वाई की वैल्यू निकले के आएगी, तो वो आएगी आपके पास 67, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपके सामने यहाँ पे दिया गया है और ये इसका बिल्कुल राइट आंसर आपके सामने यहाँ पे रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आपका एवरेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे दिया है। आपको बोला है 12 खिलाड़ी वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है और अगर उसमें एक प्रशिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है, मतलब कि एक कोच को भी मिलाया जाता है, तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। आपको बताना है कि उस कोच की आयु कितनी है। तो बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, मैं 2 मेथड से आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक रेशो का मेथड भी है जिसको आप ट्रिक बोल सकते हैं और एक बेसिक मेथड है जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप के बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो 12 खिलाड़ी हैं आपके पास, 12 खिलाड़ी की औसत आयु आपको बताई गई है 23। यदि एक कोच आ जाता है, मतलब कि पहले 12 थे तो अब हो जाते हैं 13 और औसत आयु 2 बढ़ जाती है, मतलब पहले 23 थी तो अब हो जाएगी 25। आपको क्या करना होता है, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, वो चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है और बड़ी वैल्यू में से छोटी को कम करना है। जब 12 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 276 और जब 25 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 325। दोनों को माइनस कर दें आप तो आपके पास रिजल्ट आएगा 49। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद अगर मैं इसके ट्रिक की बात करूँ, ट्रिक क्या आपके लिए रहेगी, सेम टू सेम इसी वे में आपको लिखना है 12 खिलाड़ियों की औसत आयु बताई गई है 23 और जब एक कोच आ गया, मतलब 13 आदमी हो गए तो 2 बढ़ गई, मतलब 25 हो गई। आपको रेशो से गैप निकालना है, 12 और 13 के बीच 1 का गैप है, 23 और 25 के बीच 2 का गैप है। फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है गैप के साथ, तो 12 को 2 से करेंगे तो आएगा 24 और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट के गैप के साथ, तो 25 को 1 से करेंगे तो आएगा 25, 24 और 25 आपके पास आगे 49। तो ये भी आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वर्क एंड टाइम से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। आपको बोला गया है ए बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी रेशियो के मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ए बी और सी इन तीनों का जो काम करना है वो दिन बताए गए हैं 15, उसके बाद बी और सी का बताया गया है 20। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60, 15 से जाएगा ये 4 बार, 20 से जाएगा 3 बार। तो मेरे को ये पता चला कि ए बी और सी तीनों के तीनों मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं। अब ये मेरे को पता चल गया, ए बी और सी तीनों के तीनों मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं, जिसमें बी और सी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3। तो इस बी और सी की जगह मैं कितना भर दूंगा, 3 भर दूंगा, तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी, ए की वैल्यू निकल के आएगी और ए की वैल्यू मेरे पास निकल के कितनी आई, 1। अब ये जो एलसीएम हमने निकाला होता है इस चीज़ को हम बोलते हैं टोटल वर्क डन। तो टोटल काम है 60 और करेगा कौन उसको, ए की वैल्यू है 1, तो काम आपका पूरा होगा ए के द्वारा
60 दिनों में, तो इसका भी आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर से रहेगा। मैंने ज़्यादातर जो आर्मी में जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उस सारे के सारे चैप्टर को मैंने यहाँ पे कवर करने की ट्राई की है, ताकि आपके कोई डाउट यहाँ पे ना रह जाए। आपके पास बोला गया है कि जितना ब्याज 5 वर्ष में मिलता है उतना ही कितने समय में मिलेगा। अब इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, और तो आपको यहाँ पे बोला गया है जितना ब्याज, मतलब जितना ब्याज पहले मिलता है उतना ही बाद में मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि दो केस में आपके पास SI क्या रहेगा, बिल्कुल कॉमन रहेगा, मतलब कि दोनों के दोनों केस में आपके पास SI नॉर्मल है, इक्वल है। तो SI का फॉर्मूला आप लगाएंगे PRT/100 ये फर्स्ट के लिए, और PRT/100 ये सेकंड फेज के लिए। तो जब आपने फर्स्ट में लगाया तो प्रिंसिपल आपके पास था 6,000 रुपये, उसके बाद रेट था आपके पास यहाँ पे 4%, और टाइम था 5, डिवाइड करेंगे आप 100 से, यहाँ पे अब राशि होगी 8,000, रेट था आपके पास 3%, टाइम आपको निकालना है, और अपॉन में आएगा 100। जब आप इसको सारी की सारी कटिंग करेंगे, 100 में से 100 कट हो जाएगा, आपकी 3 जीरो में से 3 जीरो चली जाएंगी, 4 से 8 चला जाएगा आपके पास यहाँ पे, 4 से 8 चला जाएगा 2 बार, 3 से 6 आपका चला जाएगा फिर से 2 बार, और 2 से 2 आपका कट जाएगा। तो टी की वैल्यू डायरेक्ट किसके इक्वल चली जाएगी, 5 के इक्वल चली जाएगी। तो इसका मतलब है SI कितने सालों में बराबर होगा, 5 सालों में बराबर होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है ट्रेन के चैप्टर से। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं इसका आंसर यहाँ पे आपको बता देता हूँ आंसर क्या रहने वाला है, खुद आप इसको सॉल्व करें। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रहेगा 64। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाए, तो जो भी मैथ की अगली वीडियो आएगी उसमें मैं इस क्वेश्चन को वहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपका कोई भी अगर डाउट है, क्वेरी है, वो वहाँ पे क्लियर हो जाए। नहीं तो मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको खुद ट्राई करें। जो फॉर्मूला लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला लगता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, मतलब कि गति जो है वो किसके बराबर है, गति रहती है दूरी और बटे में समय, दूरी बटा समय इसका यहाँ पे फॉर्मूला रहता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, एरिया के चैप्टर से मैंने इसको डाला है, आप साथ साथ में सॉल्व करें क्या इसका राइट आंसर रहेगा। सो आपको बोला है बर्फ का क्षेत्रफल दिया गया है 24। अब यहाँ पे यूनिट नहीं दिए गए हैं, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी इसके यूनिट जो है वो मान सकते हैं। अगर आपको सेंटीमीटर लेना है सेंटीमीटर में आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी आपके पास यूनिट नहीं दिए गए हैं। तो बर्फ का क्षेत्रफल, बर्फ का मतलब है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया जो है वो आपको दिया गया है कितना, 24। और अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर आपके पास इनडायरेक्टली दिया है 24 है, तो साइड कितनी आएगी, साइड आएगी अंडर रूट 24 है, और अंडर रूट 24 को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 4 × 6, 4 आपका टूट जाएगा 2 में, और रूट 6 आपके पास एज इट इज बचेगा। अब आपसे पूछा है इसकी परिधि, परिधि का मतलब परिमाप, या फिर सरकमफ्रांस आपसे पूछा है, तो इसके परिमाप, परिधि या सरकमफ्रांस का जो सरकमफ्रांस, वैसे तो हम वृत्त के केस में
बोलते हैं, लेकिन परिमाप, परिधि, सरकमफ्रांस एक ही चीज़ होती है। इसका फॉर्मूला होता है 4 × साइड, और हमने साइड कितनी निकाली है, 2√6। तो 4 को 2 से करेंगे 8, और √6 हमारा एज इट इज रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 8√6। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको मॉक लगाने हैं जीडी के, क्लर्क के, टेक्निकल के, तो आप प्ले स्टोर से विजयपथ एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे अग्निवीर 786 कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो आपको 25% वहाँ पे डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा। और इस सीरीज़ में आपको 30 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि आपके पूरे के पूरे बाइलिंगुअल रहेंगे सॉल्यूशन के साथ, और 170 या 150 आप बोल सकते हैं, अभी हम इसमें कुछ अपडेट कर रहे हैं, तो 170 से ज़्यादा हमने जो है वो इसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपके टेस्ट डाल दिए हैं जीडी के लिए। उसमें आपके मैथ, साइंस, जीके और रीजनिंग रहेगा। क्लर्क के लिए उसमें एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाएगा, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, और टेक्निकल के लिए उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने वहाँ पर डाली है, तो वो चीज़ आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप ये जो आपके सामने नंबर दिया गया है इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए आर्मी से रिलेटेड तब भी आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्वाइन आपको कैसे करना है, आपके सामने जो नंबर दिया गया है उस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे जो है वो टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड करें या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करें, तो आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च करें विजयपथ एजुकेशन पालमपुर, तो आपको एक ऑफिशियल का चैनल वहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि विजयपथ एजुकेशन के काफ़ी ज़्यादा चैनल ऐसे बनाए जाते हैं, बट एक ऑफिशियल का चैनल जो है वहां पे आप उस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आर्मी से रिलेटेड आपके PDF, स्टडी मटीरियल, नोट्स, सारे के सारे इम्पोर्टेंट आपके पेपर क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे भेजे जाते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन है आर्मी से रिलेटेड वो भी वहाँ पे शेयर की जाती है। सो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको मैथ के मिक्स क्वेश्चन की वीडियो वहाँ पर मैं डालूँ, या फिर आपके चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करूं। ये आप ज़रूर मेरे को यहाँ पे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो मटेरियल बना सकूं। साथ में मैं ट्राई करूंगा कि जो आपके क्वेश्चन है वो इजी से मॉडरेट लेवल की तरफ मैं वहाँ पे लेके जाऊं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।